ये 1891 की बनी हुई टनल है जो अभी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने रिस्टोर की है। यहाँ से जी अयूबिया मोटो टनल जो है उसका रास्ता स्टार्ट हो रहा है। रास्ते में सारे बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो जिससे बचने के लिए ये यहाँ पे सॉक्स मिलती हैं जो कि बूटों के ऊपर आप चढ़ा लेते हैं। वो मैंने भी चढ़ा ली हैं ताकि फिसल के बंदा गिरने और किसी किस्म की चोट और इंजरी से महफूज रह सके। बहुत रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में टूरिज़्म का कल्चर जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। लोग फैमिली के साथ और अकेले निकल रहे हैं, दोनों तरह से लोग जो है ना नेचर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिसलन काफ़ी है तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ से जी ये मोटो टनल जो है वो स्टार्ट होती है। ये मोटो टनल है जी, अभी मैं इसको क्रॉस करूँगा। काफ़ी यहाँ पे रश है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। चलें तो आए जी इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसी है ये। आए हाइट लगभग इसकी बस 6 फीट ही है, तो आपको ज़रा झुक के जाना पड़ता है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, 6 फीट तक ही है। असल में तो ये सिर्फ पाइप्स पानी के गुजारने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाई थी। लाइटें लगी हुई हैं इसके अंदर और बड़ी अच्छा फील होता है। कहीं कहीं से इसके अंदर जो है ना काफ़ी ऊंची जगह भी आ जाती है जहाँ पे मुझे अपनी गर्दन सीधी करने का ज़रा मौका मिल जाता है, वरना झुक के ही चलना पड़ रहा है अभी। जैसे ये देखें ये ऊपर, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी खुली है जगह, हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है। बाकी बस 6 फीट तक ही हाइट है इसकी। लाइटें अच्छी लगाई हुई हैं लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें यूब नेशनल पार्क की इन्फॉर्मेशन, पाइपलाइन ट्रैक की और ये जो मोटो टनल जिससे हम गुजर के आए हैं उसके बारे में बताया गया है। बनाने का मकसद, कब बनी, कितना टाइम लगा। यहाँ से जी ये टनल के दूसरी तरफ से ट्रैक की तरफ जो रास्ता जा रहा है अभी मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, बर्फ़ शर्फ गिर रही है ऊपर से, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। ये कुछ मंचले आए हैं तो उन्होंने अपना यहाँ पे लिखा हुआ है कलर से। क्या नाम है आपके चैनल का? ट्रैवल एंड टेल। बड़े कलर बिखेरे हुए हैं जी। ये कुछ मंचले आए हुए हैं जी, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना। खूबसूरत रास्ता, बर्फीला रास्ता और लोग हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। यार मैंने जो सॉक्स पहनी है ना वो ये हालत हो गई है, उनकी उतर रही है। अभी मैं उनको ज़रा सेट कर लूँ। अभी तक जो प्रॉपर पाइपलाइन ट्रैक है वो स्टार्ट नहीं हुआ, आगे उसकी एंट्रेंस आ रही है। अभी चलते हैं उस तरफ ही, देखते हैं क्या सिचुएशन है उधर।
अच्छा जी, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर मुझे आगे पाइपलाइन ट्रैक खुला मिला तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी दुआएं, जहां रहें खुश रहें, अल्लाह आसानी दे और आसानियां तकसीम करने का हौसला दे। अल्लाह हाफ।